जननी जने तो ऐसा जनी के दाता के सूर नहीं तो रहे जाए जे बांजड़ी मत गमाई जे। नूर राजस्थान में यह कहावत बहुत ही प्रचलित है और इस कहावत को समय समय पर भामाशाह किसान परिवार चरितार्थ करके दिखा देते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा औलादन गांव में रविवार को देखने को मिला। इन दिनों लंपी बीमारी से गौ माता अकाल मृत्यु की शिकार हो रही है, वही कई गायें भूखमरी की शिकार होती नजर आ रही है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए औलादन गांव के चौधरी परिवार के चेला राम, सूरज कर्ण, परस राम और पूर्व सरपंच राम किशन बटेसर परिवार ने पिछले साल की तरह इस बार भी अपने 35 बीघा खेत की बाजरे की खड़ी फसल गौ माता के नाम कर दी। गौरतलब है कि इस परिवार ने पिछले वर्ष भी 30 बीघा खेत की खड़ी फसल स्थानीय गौशाला भक्त शिरोमणि मीराबाई के नाम करते हुए इस बार भी ऐसा ही काबिले तारीफ कदम उठाया। इनके इस पुनीत कार्य की औलादन सहित आसपास के गांवों में खूब चर्चा हो रही है। गौशाला अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह और संचालक विक्रम सिंह ने बताया, रविवार को औलादन, देशवाल, रुण, सिराधना, बासनी नेता, इंदोकली, गागुडा, ददवाड़ा सहित आसपास के गांवों के 500 किसानों ने निशुल्क बाजरे की फसल में सीटियां तोड़कर कड़प की कटाई की। इस कार्य में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्य में किसानों के 25 ट्रैक्टर, 3 पानी के टैंकर और 3 डीजे वालों ने अपनी ओर से निशुल्क सहयोग दिया। देशवाल के देवकिशन सारण और औलादन के महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया, इस मौके पर पंचायत समिति मुंडवा प्रधान प्रतिनिधि रेवतराम डांगा ने मारवाड़ के फसल कटाई के समय प्रसिद्ध नृत्य गीत बगड़ावत पर नाच गान करते हुए ग्रामीणों और किसानों का हौसला बढ़ाया और फसल कटाई की शुरुआत की। इस मौके पर समाज सेवी रेवतराम डांगा और महादेव गौशाला अध्यक्ष रामेश्वर गोलिया रुणा ने बताया कि औलादन के इस किसान परिवार ने गौ माता के लिए काबिले तारीफ काम किया है और इन्होंने लाखों रुपए कीमत की खड़ी फसल गौ माता के नाम करके क्षेत्र में नाम कमाते हुए पुण्य का कार्य किया है। रविवार को फसल कटाई के दौरान मेले सा माहौल देखने को मिला, वही दानदाता परिवार की ओर से सामूहिक भोज का भी आयोजन रखा गया।